हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रियंका और टेबल फूड कार्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं मीरा रोड कनाकिया में आपको शाही दरबार में, जिसका नाम ही शाही है, उसके पकवान कैसे होंगे? ऑब्वियसली शाही होंगे। यहां के जो बनाने वाले शेफ्स हैं वो भी बहुत ही लज्जतदार खाना बनाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पे मुगलई, पंजाबी, चाइनीज़, तंदूरी सब कुछ है और भी बहुत कुछ है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है इनके शाही दरबार में। गॉड, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लगता है यहाँ पे किसी की बर्थडे पार्टी होने वाली है। बहुत ही सुंदर है, देखे यहाँ का एम्बियंस। यहाँ पे अभी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं किसी के बर्थडे की। यहाँ पे बहुत सारे कुछ कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, देखिए नीट एंड क्लीन है, एकदम हाइजीन है। यहाँ पे आप पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं और फैमिली को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे फैमिली जैसा माहौल है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आके ज़रा भी झिझक हो, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। देखिए हर तरह से ध्यान रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे एसी हॉल भी है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप अंदर भी बैठ सकते हैं। ओह वाओ, ये तो कुछ अलग ही है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। यहाँ पे इंटीरियर में हॉर्सेस बने हुए हैं, डीजे चल रहा है और यहाँ पे एंजल्स बनी है, चेरुबिक्स बने हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से, छोटे छोटे बेबीज। किसी के बर्थडे की तैयारी चल रही है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पूरा डेकोरेट किया गया इस हॉल को। और ये एसी हॉल है तो यहाँ पे गर्मी वगैरह का कोई चक्कर नहीं। आपको पता है मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्होंने दोनों तरीके से ध्यान रखा है। जिनको एसी की आदत नहीं है वो बाहर रह सकते हैं और जिनको एसी की आदत है उनके लिए यहाँ पे फिलहाल अभी इस हॉल को खाली किया गया है, वरना यहाँ पे पार्टीज में ही जनरली से खाली किया जाता है। नहीं तो यहाँ पे आप आके आराम से अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पूरा स्पेशियस है, लगभग 200 से 250 लोग यहाँ पे आके आराम से खा सकते हैं, पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुंबई में इतनी बड़ी प्लेस मिलना पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ये बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल है, आपके पॉकेट में है, आराम से इजीली आप अपने बच्चों के बर्थडे और अपने एनिवर्सरी सब कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ का फूड भी बहुत ही अच्छा है, जो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, टेस्ट भी कराऊंगी। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं, जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जिनसे मैं उनके फीडबैक्स लूँगी। तो चलिए मैं अभी आपको लेके चलती हूँ यहाँ के फूड सेक्शन में और मिलवाती हूँ यहाँ के मैनेजर से, यहाँ के जो एडमिन हैं उनसे मिलवाती हूँ और उसके बाद फिर अपन रूबरू होंगे यहाँ के टेस्टी टेस्टी शाही खाने से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेबल्स फूड कार्ट आपको हमेशा लेके चलता है एक बहुत ही अच्छी फूड की जर्नी में। आज मैं यहाँ आई हूँ शाही दरबार में और मैं बैठी हूँ वहाँ के ओनर के साथ में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं शाही दरबार के ओनर के साथ बैठी हूँ। हेलो सर, आपका नाम? आप मुझे बताएंगे कि ये शाही दरबार का जो कंसेप्ट है फूड का, ये आपके दिमाग में कैसे आया और कब आपको लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ मीरा रोड कनाकिया में? सी फर्स्ट आई वाज रनिंग द वेज, फर्स्ट मैंने वेज रेस्टोरेंट में रन कर रहा था। अच्छा, पर इधर मैं देखा कि कंसेप्ट पीपल हुआ, मेरे को बहुत जन पूछ रहे थे खाना नॉन वेज और ए, तो मेरे को लगा वेज भी अच्छा देना चाहिए और नॉन वेज भी अच्छा देना चाहिए। तो मैंने इधर सर्वे किया तो इधर मुगलाई फूड और ये सब पंजाबी और मालवनी फूड प्रॉपर, इधर एक भी जॉइंट्स नहीं है, तो एक ग्रुप के अंदर इधर आ जाएंगे तो प्रॉपर मेरे को सब पूरा मिल जाएगा, खाना पीना सब पूरा। तो इसलिए मैंने लखनऊ से मुगलाई शेफ्स ऑर्डर किए कि उन लोग को, उन लोग के कल लोग नहीं शेफ फ्रॉम द लखनऊ है ब्रॉड एनो, उसके हिसाब से मैंने इधर मुगलाई फूड चाइनीज और ये सब एक रूप के अंदर आपको मिल जाएंगे, यू गेट अ सी फूड एंड एवरीथिंग अंडर वन रूप। और सबसे स्पेशल आपको क्या लगता है यहाँ की, मतलब जो आपको लगता हो कि मैं हाँ रोज खा सकता हूँ, ऐसी कौन सी डिश है जो आपको बहुत मन करता है यहाँ की बनवा के खाने? देखो ये मेरा ही है तो मैं सब डिश ऐसा बोलूंगा कि सब डिश अच्छी है, पर आप इधर रान नहीं मिलती थी। अच्छा। केप्सा राइस नहीं मिलता था जो अपने को खाने के लिए, मेरे को नहीं लगता मीरा रोड में कहा है। तो एक डिश इधर नई डिश चालू की है तो आप उधर चालू कर सकते हैं, केप्सा रान
और ये सब कुछ है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अगर खाने की बारी आए तो हम चाहते हैं एक सुकून की जगह मिल जाए, जहाँ पे हम आराम से बैठ के घर जैसे खाने का आनंद ले सकें, हमें ऐसा लगे कि हम अपने घर पर बैठे हैं, खुलकर एकदम दिल से खा रहे हैं। अविनाश जी ने उसका पूरा ध्यान रखा है और यहाँ पे जो डेकोरेशन है या यहाँ का एम्बियंस है पूरा वैसा किया है कि आपको लगेगा कि आप आराम से अपने घर में बैठ के खा रहे हैं। और अविनाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो शेफ्स हैं स्पेशली मुगलई के लिए आपने लखनऊ से बुलवाए हैं। लखनऊ से बुलवाए। ओके, इसके अलावा आपने वेज के लिए, सी फूड्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपने क्या इस तरह से? तो हम लोग का ये था ही, वेज फूड हम लोग का ये है। अभी और एक मैं बताना चाहता हूँ कि पब्लिक डिमांड मेरी की थी कि इधर बहुत सारे जन बोल रहे थे कि भाकरी नहीं मिलती है, भाकरी नहीं मिलती है, मराठी भाकरी। तो मैंने एक लेडीज भी रखी है कि प्रॉपर जवार की भाकरी, चावल की भाकरी कि हम दे सके पब्लिक। अच्छा, को वो शेफ जो है महाराष्ट्रियन शेफ, वो महाराष्ट्रियन लेडीज है, वो कि वो बना के कि लेडीज प्रॉपरली उन लोग को सब दे सके। ऐसा अब देखा जाए तो मेरा इधर का दाल खिचड़ी एक है फेमस आइटम, कि हम लोग तो पंजाबी में तो थे ही, नॉनवेज में थे, अभी मुगलाई में भी तो पब्लिक डिमांड के हिसाब से हम लोग ने मुगलाई में आ गए। सी फूड में हम लोग ने ज़्यादा सी फूड, मैंने पब्लिक को ये नहीं करनी चाहिए कि सी फूड कि सब कुछ हो जाता है, हम लोग ने 5-6 टाइप के फिश दिए कि आई कैन गिव देम, मैं प्रॉपर सबको खाना दे सकूँ, टेस्टी हो सके कि पब्लिक बार बार इधर आए। अविनाश जी का सबसे मेन मोटो है कि उनके पास जितने भी कस्टमर्स आए उनको ऐसा ना लगे कि उनके पसंद की कोई चीज़ नहीं मिल रही है, वो जो अपने दिमाग में रख के आते हैं अविनाश जी उसका पूरा ख्याल रखते हुए वो चीज़ यहाँ पे पहले से ही तैयार रखते हैं। यहाँ के शेफ्स जो हैं, जैसे कि इनने कहा यहाँ भाकरी स्पेशल है, जो मराठी लेडी ही बनाती है स्पेशली, तो मराठी लेडी बनाएगी तो वो प्रॉपर भाकरी जो है महाराष्ट्रियन ही टेस्ट आएगा। इनफैक्ट मुगलई का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि उन्होंने लखनऊ से जो शाही शेफ्स हैं वो यहाँ पे मुगलई डिशेज बनाते हैं। तो आप यहाँ आए सिर्फ आप अपने दिल में दिमाग में ये ख्याल रख के आए कि मुझे ये खाना है, और अविनाश जी डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकाल के वो डिश आपके सामने प्रेजेंट करवाएंगे ही करवाएंगे। बैठी हूँ शाही दरबार में वहाँ के ओनर के साथ, अविनाश के साथ, और मैं अविनाश से जानना चाहूँगी, ये तो बहुत सारी बातें हो गई शाही दरबार की कि शाही दरबार के पास मुगलई है, महाराष्ट्रियन है, पंजाबी है, चाइनीज़ है, सी फूड है, अब मैं जानना चाहूँगी कि मेरी पेट पूजा के लिए अविनाश जी के पास क्या है यहाँ का स्पेशल? आपके लिए मैं स्पेशल शाही दरबार का 2 डिशेस बनाता हूँ, एक वेज में और नॉन वेज में। आप उसको टेस्ट करिए और आप सही बताइए शाही दरबार का टेस्ट कैसा है और कैसा जायका लग रहा है आपको, आप ही रिव्यू दीजिए। तो मैं बनाना, मैं मेरे मुंह से बताना गलत बात है, तो आप ही अपने इससे बताइए आपका रिव्यू क्या है। चलिए तो फिर अविनाश जी चलते हैं और किचन की ओर रुख करते हैं, मैं वेट करती हूँ अपने आने वाले खाने का। और इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज रखा है, अविनाश जी ने बोला है कि वो मुझे ये सीक्रेट अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, बस शाही स्पेशल है जो कि वो शाही दरबार का स्पेशल कुछ फूड लेके आ रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि पेबल फूड कार्ट हमेशा लेके आते कि स्पेशल डिश, इसी तरीके से इन्होंने भी लेके आई आज शाही दरबार से मेरे लिए एक स्पेशल डिश, तो चलिए टेस्ट करते हैं। जब तक कि मेरी स्पेशल शाही दरबार की सरप्राइज डिश तैयार हो रही है, तब तक मैं मिलवाती हूँ आपको शाही दरबार के मेन्यू से, जो कि अपने आप में एक शाही खजाना छुपा के रखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसके मेन्यू में क्या है। ये वैसे भी ये फैमिली रेस्टोरेंट है, आप देख रहे हो शाही दरबार, यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ है फैमिली रेस्टोरेंट, तो आप इजीली यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं फूड को। शाही दरबार के कबाब्स हैं, गोश्त ग्रिल शाही मटन है, शाही सी फूड्स हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं, वेज स्टार्टर्स हैं, नॉन वेज स्टार्टर्स हैं, नॉन वेज कोर्स हैं। वेज स्टार्टर्स में वेज सीख कबाब है, पनीर पकौड़ा है, बेबी कॉर्न तंदूरी है। वाओ, बहुत ही सीरियसली शाही खजाना छुपा हुआ है यहाँ पे, इतनी सारी डिशेज़ हैं, इतनी सारी डिशेज़ हैं। जैसा कि शाही दरबार के ओनर अविनाश ने बोला भी था कि आप बस दिमाग में सोच के आइए वो डिश और यहाँ पर आपको मिलेगी वो डिश। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया था कि यहाँ रान की, यहाँ की स्पेशलिटी है रान है, और वेज मेन कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, मालवनी फूड है, और स्पेशल मटन है जिसमें इन्हें स्पेशली लिखा अवर स्पेशल मटन। बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का मेन्यू भी देख के ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितनी सारी डिशेज़ हैं, मतलब सारे रत्न जो हैं शाही दरबार के यहाँ पर हैं।
देखते हैं आगे। यहाँ पे राइस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, राइस है, बिरयानी है, पुलाव है, बहुत सारी कर्ड राइस है, जीरा राइस है, स्टीम्ड राइस है, मटन दम बिरयानी फुल है। उसके अलावा नॉनवेज चाइनीज़ स्टार्टर्स हैं यहाँ पे, चाइनीज़ का जैसा कि इन्होंने बोला था यहाँ पे मुगलई, चाइनीज़, पंजाबी, शाही दरबार में मिलती है। और पेबल फूड कार्ट जैसा कि आप जानते हो कि हमेशा लेके जाता है एक बहुत ही अच्छी फूड की जर्नी पे, तो आज लेके आया पेबल्स फूड कार्ट आपको यहाँ पे शाही दरबार में। और मैं अभी उसके मेन्यू से आपको रूबरू करा रही हूँ धीरे धीरे करके। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वेज राइस नूडल्स हैं, वेज चाइनीज़ स्टार्टर्स हैं, फ़िश एंड प्रॉन स्टार्टर्स हैं, नॉन वेज राइस नूडल्स हैं। यहाँ का मेन्यू कार्ड ही अपने आप में बता रहे कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है। अगर आप फूड लवर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुँच गए हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा वो जो आप खाना चाहते हो। देखिए यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, आइसक्रीम्स हैं, डेजर्ट्स हैं, मिल्क शेक्स हैं। जैसे कि बच्चे आते हैं आपके साथ में और अगर उनकी विश है तो उनको फ्रेश जूस भी मिलेगा, मिल्क शेक भी मिलेगा, उनके लिए सैंडविचेस हैं यहाँ पे, ड्रिंक्स हैं। फेबल्स फूड कार्ट ने आज आपको रूबरू कराया है शाही दरबार के शाही मेन्यू से, जो कि आप देख रहे हो कि अपने आप में पूरा खजाना रखता है। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मुझे तो लग रहा था कि बाप रे ये क्या है, सारे नौ रत्न जितने भी रत्न होते हैं खाने के वो सारे इस एक मेन्यू के अंदर आ गए हैं, इस एक रूप के अंदर हैं। जैसा कि अविनाश जी ने बोला कि शाही दरबार में आइए और आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा जो भी आप खाना चाहें वो डिश। तो चलिए अब मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, मेरी डिश भी बनकर शायद तैयार हो गई है, तो मैं उससे रूबरू होती हूँ। और पेबल्स फूड कार्ट में आप देखते रहिए मेरे वीडियोज़, तब तक मैं थोड़ा सा टेस्टी खाने का मज़ा लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ शाही दरबार के शाही किचन में और देखते हैं कि यहाँ पे जो शेफ्स हैं वो क्या बना रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं शाही दरबार के किचन में हूँ और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक है, चाहे वो चॉप्ड वेजिटेबल्स हो या फिर मसाले हो। हेलो, आप मुझे अपना नाम बताओगे? गोविंद कुमार साहब। गोविंद है आपका नाम? अरे यहाँ पे कुछ गोविंद बहुत ही स्पेशल सा कुछ बना रहे हैं। वैसे आप क्या बनाते हो, आपकी स्पेशलिटी क्या है? चाइनीज एंड थाई। चाइनीज और थाई बनाते हो, ग्रेट। तो कितने सालों से बना रहे हो गोविंद ये? शायद 3 साल से। 3-3.5 साल हो गए। वैसे आपको खाना बनाने का शौक कब से है? नहीं तो पहले से, मैं एक्चुअली जब किचन में आया मैंने होटल पे काम पे लगा। अच्छा। उसी टाइम से मतलब कुछ सोचा कि मतलब कुछ खाना बनाना है हमको। अच्छा। स्पेशली। अच्छा। वही मैं ऐसा आगे बढ़ा और चाइनीज और इधर थाई में बना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर। तो आप मुझे एक बार दिखाओगे कि आपने क्या बनाया है? बहुत ही कुछ कलरफुल सा लग रहा है, देखिए ये गोविंद ने बनाया है। ये क्या है गोविंद? चाइनीज स्टार्टर है, बाल्मीको बोलते हैं इसको। चाइनीज स्टार्टर है, इसको बाल्मीको बोलते हैं। अच्छा, ये वेज है कि नॉन वेज है गोविंद? अच्छा, प्योर वेज है। मशरूम और बेबी कॉर्न से बनता है ये बाल्मीको, जो कि मैंने आज तक नहीं खाया, नाम भी पहली बार सुना, पर देखने में इतना टेस्टी कलरफुल लग रहा है कि मन कर रहा है कि बस अभी गोविंद के हाथ का ये बाल्मीको टेस्ट करूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ की किचन का पूरा देख सकते हो, मसालों से लेकर चॉप्ड वेजिटेबल्स देखिए आप, बहुत ही प्रॉपर तरीके से अलग अलग बॉक्सेस में रखी गई हैं, मिक्स नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ के सारे शेफ्स ने कैप लगा रखी है, यहाँ पे सिस्टमेटिक मैनर में सारी जितनी भी डिशेस बनती हैं वो प्रॉपर यहाँ पे रखी जाती हैं, यहाँ पे कुछ भी मैसी नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक है कि कस्टमर को बहुत जल्दी सब कुछ सर्व किया जा सके। यहाँ पे पार्सल्स की भी फैसिलिटी है। पेबल्स फूड कार्ट आपको लेके आया है शाही दरबार में फूड की एक जर्नी में, जहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ के अविनाश जी ऑनर जी ने बताया कि यहाँ की स्पेशलिटी है कि उन्होंने लखनऊ से डायरेक्ट मुगलई शेफ को बुलवाया है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के मुगलई शेफ से और जानते हैं कि वो क्या क्या बना लेते हैं। हेलो, आपका नाम? जी प्रदीप। बाबर आजम। बाबर आजम, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए कि आप कितने सालों से हो उसमें डिशेज बनाने में? कम से कम 12 साल से। 12 साल हो गए हैं आपको? और 12 साल से आप ये डिशेस, मतलब क्या आप क्या स्पेशल बनाते हो, ऐसा क्या है, मतलब सबसे स्पेशल क्या? मुगलई खाना है जो अपने जाते हैं, वो बहुत अच्छे बनाते हैं। मुगलई खाना बनाते हैं? जी हाँ। बहुत बढ़िया। तो मुगलई में क्या, जैसे डिशेस के नाम?
इसमें बहुत सारे चिकन मुगलाई है, मटन मुगलाई है, चिकन मुगलाई, मटन मुगलाई, और तो बहुत सारे थे, और बहुत सारे ऑर्डर हैं। अच्छा, और अभी आप देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर ड्रेसअप है, यहाँ पे ये एप्रन पहना हुआ है, शाही दरबार उनके टी शर्ट में लिखा हुआ है, कैप लगा हुआ है, मतलब हाइजीन का और हर चीज़ का इतना प्यारा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक मैनर में है, हर चीज़ कुछ भी आपको बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ज़रूर आपके हाथ की कोई डिश टेस्ट करूँगी, और ऑल दी बेस्ट आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी है। थैंक यू वेरी मच। शाही दरबार की स्पेशल डिश बन के तैयार हो गई है और मुझे उसकी खुशबू आ रही है, बस मुझे इंतज़ार है कि वो मेरे पास आए और मैं उसको टेस्ट कर सकूँ। हेलो, ये आप बताओगे कि ये क्या डिश है? अच्छा, ये ये चिकन बन जा रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, और ये मशरूम बेबी कॉर्न क्रिस्पी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो, ये कुछ स्पेशल, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही चटपटा सा, कुछ कलरफुल सा बन के आया है, और यहाँ पे चिकन भी है, बहुत ही स्वादिष्ट बंजारा कबाब है यहाँ पे, जो ग्रीन ग्रीन है, जनरली मैंने कबाब रेड कलर के देखे हैं, पर यस ये ग्रीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो मैं पहले वेज टेस्ट करूँगी और फिर बताऊँगी कि यहाँ का शाही दरबार का वेज कैसा है। इतनी स्वादिष्ट शाही डिश का ये प्रिपरेशन देख कर मेरा तो मन हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी इसको खाऊँ और टेस्ट करूँ, और मैं पहले वेज टेस्ट करती हूँ, और नॉनवेज के लिए आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में रिवील करूँगी। मैं वेज पहले टेस्ट करती हूँ, ये है बेबी कॉर्न क्रिस्पी, बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है, लिटरली जैसा कि उन्होंने कहा था अविनाश जी ने, यहाँ जो भी मिलेगा बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा, ये बेबी कॉर्न क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ा आ गया मुझे खा के। मैं कंटिन्यू करती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको देती हूँ नॉनवेज का सरप्राइज़, नॉनवेज का सरप्राइज़ रिवील करती हूँ। नॉनवेज के सरप्राइज़ में ऐसा है कि मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही प्यारी सी, जिसका नाम है बबली, और वो है हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, वो आपको खाकर बताएगी कि यहाँ का ये जो नॉन वेजिटेरियन है जिसकी बात कर रहे थे अविनाश जी शाही दरबार के, की बहुत ही टेस्टी है, वो बताएगी कि ये है कैसा। फूड कार्ट में हम स्वागत करते हैं मेरी बड़ी ही बबली प्यारी शाही सी फ्रेंड का, जो कि यहाँ पे नॉनवेज चख के टेस्ट करके, और मेरे को लगता है वो रुक नहीं पाएगी, बताएगी कि कैसा है यहाँ का नॉनवेज। तो बबली प्लीज आ जाए। हेलो, हेलो, कैसे हो? चलिए, अब आपके लिए है यहाँ की कुछ स्पेशल एक डिश, जो कि आपको खा के बतानी है कि कैसी। मुझे पता है आपको नॉनवेज बहुत पसंद है, पर बिल्कुल सच्ची सच्ची तारीफ करके बताना कि कैसी है यहाँ की डिश। नॉनवेज बहुत ही पसंद है, अभी हम ये फूड को टेस्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए फिर। कुछ बहुत ही कलरफुल लग रहा है, राइट? यस, तो अब आप इसका प्रॉपर रिव्यू दे पाओगे मुझे? मैं तो हाथ से खाऊंगी। इट्स रियली टू यम्मी। मैंने मीरारो पे इतने सारे रेस्टोरेंट में खाना खाए हैं, लेकिन शाही दरबार का जो ये टेस्ट है ये कहीं पे भी नहीं है। और कैसा लग रहा है आपको, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको फील हो रहे हैं आपके माउथ में? इसमें चिकन है, स्पाइसी है, एंड इसका टेस्ट भी काफ़ी अलग है, लाइक लेमन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। ग्रेट, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर बबली आप लीजिए मज़ा अपने नॉनवेज का, और मैं लेती हूँ मज़ा अपने वेज का। ठीक, और फिर थोड़ी देर में वापस मिलते हैं हम आपसे, थोड़ी सी पेट पूजा करके। आज हम आए हैं शाही दरबार में, जो कनाकिया मीरा रोड में है, और मैंने आपको हर बार बोला है कि पेबल फूड कार्ट हमेशा आपको ले चलता है एक ऐसी जगह पे, ऐसी फूड की जर्नी में जो अपने आप में बहुत ही डिफरेंट होती है, हमेशा कुछ डिफरेंट सर्व करते हैं। आज मैं आई थी शाही दरबार में, मैंने यहाँ का फूड टेस्ट किया, जो कि एक्चुअली मेरे मुँह में अभी भी उसका टेस्ट आ रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आएँ अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अपने रिलेटिव के साथ, जो भी आए, पार्टी हो, होम डिलीवरी हो, सब कुछ शाही दरबार सर्व करता है आपको। आप आएँ और यहाँ के फूड का मज़ा लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप भूलिए मत टेबल फूड कार्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यस बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।